जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू के शूटरों को गिरफ्तार करने पतरातू पहुंची झारखंड एटीएस की टीम पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। इसमें एटीएस के डीएसपी नीरज कुमार और पतरातू थाने के दारोगा सोनू कुमार साहू घायल हो गए हैं। घटना पतरातू थाना क्षेत्र के सरना स्कूल के पास सोमवार की रात लगभग 9:45 बजे की है। अमन साहू गिरोह के दो अपराधी बाइक पर सवार थे। एटीएस की टीम ने जैसे ही उन्हें घेरने की कोशिश की तो वे लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इसमें डीएसपी नीरज के पेट में दारोगा सोनू कुमार साहू को जांघ में गोली लगी है। डीएसपी को तत्काल इलाज के लिए मेडिका अस्पताल रांची में भर्ती कराया गया है। वहीं सोनू कुमार को पतरातू स्थित मैक्स केयर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रांची रेफर कर दिया गया। एटीएस की टीम ने अमन साहू गिरोह के दो शूटरों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। कुल 5 राउंड फायरिंग होने की सूचना है। कुछ अपराधियों के धर पकड़ने के लिए एटीएस रांची और रामगढ़ पुलिस की एक टीम यहां पर आई थी। उसमें रेड के दौरान जब उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश की गई तो थाने से करीब 4 किलोमीटर दूर दारीडी गांव के नज़दीक जो घटनास्थल है वहां पर उसको पकड़ने की कोशिश की गई। तो पुलिस को देख के उन गुप्त अपराधियों ने पुलिस पर इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग स्टार्ट कर दी और उस क्रम में एटीएस के डीएसपी नीरज जी को पेट में गोली लगी और रामगढ़ पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो अभी रजरप्पा थाने में पोस्टेड हैं सोनू साव उनको भी गोली जांघ से छूते हुए निकली है। दोनों की हालत अभी ठीक है और इनका मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए ये गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस की टीम के द्वारा पतरातू क्षेत्र में जो है कुछ आपराधिक गिरोहों के खिलाफ छापामारी की कार्रवाई की जा रही थी और विगत 3-4 दिनों से झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जो है खासकर जो संगठित आपराधिक गिरोह है उसके खिलाफ विशेष रूप से छापामारी की कार्रवाई चल रही है और इसी क्रम में आज एटीएस को ये सूचना मिली थी जिसमें ये स्पेशल टीम जो कि हमारे एटीएस के डीवाईएसपी नीरज उस टीम को लीड कर रहे थे और उस टीम के खिलाफ एक अपराधकर्मी की सूचना थी और उसके खिलाफ रेड की जा रही थी। उसी क्रम में ये घटना हुई है और जैसे ही ये छापामारी और इसकी कार्रवाई चल रही थी तो अपराधकर्मी के द्वारा जो है एटीएस टीम पर फायर किया गया था जिसमें जो डीवाईएसपी नीरज है वो मुख्य रूप से उन्हें गोली लगी पेट में, वो जख्मी हुए हैं। एक हमारे सब इंस्पेक्टर रामगढ़ जिला के हैं, उन्हें भी हल्की इंजुरी इसमें आई है। दोनों को इमिजिएटली जो है अगर अगले मेडिकल का ट्रीटमेंट के लिए जो है रांची लाया गया है और अभी दोनों में कंडीशन स्टेबल है। आगे की जो कार्रवाई है वो डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है, साथ साथ जो हमारा ये अभियान है वो अभियान भी जारी है और जो भी अपराधकर्मी इसमें शामिल है उनके खिलाफ एटीएस और जिला पुलिस के द्वारा जो है कार्रवाई की जा रही है। देखिए ये लगातार कार्रवाई चल रही है और ऐसा नहीं है कि कोई ये है आज की, चूँकि ये घटना हुई है हमारे जितने भी संबंधित ज़िले हैं उनको पूर्व से ही वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही थी और लगातार इन गिरोहों के खिलाफ जो है ये कार्रवाई ऐसे ही जारी रहे। सर क्या जिस तरह से ये देखिए ये स्पष्ट सरकार का और हमारे डीजीपी महोदय का भी ये स्पष्ट दिशा निर्देश रहा है और उसी के तहत पुलिस महानिदेशक महोदय के ओवरऑल नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है और एटीएस के साथ साथ जिला बल इसको इस पूरी कार्रवाई में शामिल है और एटीएस पूरी इस कार्रवाई को लीड कर रहा है और निश्चित रूप से झारखंड पुलिस के द्वारा जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसी तरीके से संगठित अपराध के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और जब तक ये गिरोह पूर्ण रूप से खत्म नहीं होते ये कार्रवाई आगे इसी तरह से चलती है।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।